हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ज्ञान मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। परसेंटेज में जो है आज क्लास फोर है और परसेंटेज में फ्रैक्शन का आज लास्ट क्लास है। फ्रैक्शन का जो है आज लास्ट क्लास है, तो जो है कितना हूँ कठिन से कठिन फ्रैक्शन का मान हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, आज जो है मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि कितना हूँ हाथ से हाथ जो है फ्रैक्शन हो उसका जो है परसेंटेज वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। उसमें बिल्कुल आसान तरीका से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और जो है मेरा वीडियो को जो है आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जब तक आप फुल वॉच नहीं कीजिएगा तब तक जो है मैथ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। परसेंटेज में परसेंटेज का जो है क्लास आज फोर है। फोर है जैसे फ्रैक्शन में जो है आपका फ्रैक्शन में जो है 10/3 है, ये फ्रैक्शन में है 10/3। तो इसको हम परसेंटेज में कैसे लाएंगे इसको समझिए। 10/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे तोड़ेंगे 3 सही 1/3 को, तो जो है 3 याद कीजिए पहला क्लास में परसेंटेज का हम क्या सिखाए थे। किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3 नंबर है तो उसका परसेंटेज में क्या हो जाएगा, यहाँ 300% हो जाएगा प्लस 1/3 फ्रैक्शन। 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 33 सही 1/3%। याद कीजिए कि 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू जो है 33 सही 1/3% होता है। और 300% और 33 इसको आपस में ऐड करेंगे तो 333 सही 1/3% हो गया। बिल्कुल आसान तरीका, इसमें कुछ झंझट नहीं है गुना करने का, कुछ नहीं। 3/3 का कैसे निकला, उसी तरह से जो है हम आगे जो है आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। जैसे 22/7 फ्रैक्शन है, 22/7 फ्रैक्शन का इसका परसेंटेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो 22/7 है तो इसको 3 सही 1/7 लिख सकते हैं, 3 सही 1/7। तो अब इसको ऐसे तोड़ेंगे 3 नंबर, इसको परसेंटेज में क्या लिखेंगे 300%। और 1/7 जो होता है फ्रैक्शन उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7%। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो 314 सही 2/7% होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे हम बताते हैं इसके आगे। जैसे 33/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको तोड़ेंगे 4 सही 1/8 हो गया। फिर इसको जो है तोड़ेंगे उसके नेक्स्ट, तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 4 है तो 400%। पिछली क्लास में हम बताए थे परसेंटेज का वन पार्ट में
400% हो गया, प्लस 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 12 सही 1/2% होता है, 12 सही 1/2%, तो यहाँ 12 सही 1/2% हो गया। फिर इसको आपस में ऐड करेंगे तो 412 सही 1/2%, 412 सही 1/2%। उसके नेक्स्ट 37/9 फ्रैक्शन का, 37/9 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 4 सही 1/9, 4 सही 1/9, इसको तोड़ेंगे आपस में तो 4 नंबर को परसेंटेज में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 400% प्लस 1/9 फ्रैक्शन का, तो 1/9 फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा इसका परसेंटेज वैल्यू, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% हो गया। इसको आपस में ऐड करेंगे इसको तो 411 सही 1/9% हो जाएगा, 411 सही 1/9% हो जाएगा। उसके नेक्स्ट 40/9 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 4 सही 4/9। अब इसको जो है तोड़ेंगे तो यहाँ 400% हो जाएगा प्लस 1/9 का जो है 11 सही 1/9% है, तो 4/9 याद कीजिए, परसेंटेज का पार्ट टू में जो है सेकेंड क्लास में क्या सिखाए थे कि ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, तो 44 सही 4/9%। इसको आपस में ऐड करेंगे तो जो है 444 सही 4/9%, 444 सही 4/9%। अब इसके आगे हम बताते हैं, जैसे किसी भी परसेंटेज में से इंक्रीज और डिक्रीज, तो जो है इंक्रीज का जो है मतलब यहाँ पर जो हो गया वृद्धि, इंक्रीज का मतलब वृद्धि हो गया, यानी प्लस का साइन रहेगा, और डिक्रीज का मतलब हो गया कमी, यानी यहाँ माइनस का साइन रहेगा, यानी इंक्रीज यानी वृद्धि यानी प्लस का साइन हो गया, यानी लाभ हो गया, और डिक्रीज कमी माइनस का साइन है तो यहाँ हानि हो गया। जैसे 20% जो है इंक्रीज यहाँ के जो प्लस का साइन है, तो 20% इंक्रीज होगा तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, तो 6/5 हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं 6 रेशियो, इसी को लिख सकते हैं 5 से इंक्रीज होकर कौन क्या हो गया 6 हो गया, उसी को यहाँ पर लिखेंगे 20% डिक्रीज, माइनस का साइन है तो 20% डिक्रीज 1/5 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, यानी यहाँ पर 5 से जो है ये नंबर डिक्रीज होकर 4 हो गया। तो आशा है कि आप जो है समझ गए होंगे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू
कैसे जो है परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज से, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो ये फ्रैक्शन का ये लास्ट क्लास था, कल से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को फुल वॉच करें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।